हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, बहुत अच्छा। तो जो आपने देखते हैं कि कितना आपने सीखा है, मेरे ख्याल से आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो जिन लोगों को आता होगा इसको पॉज करके फिर आगे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फिर मैच कर लीजिएगा कि आंसर सही है। हो सकता है मेरा गलती हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना? तो सबसे पहले देखिए 37, तो 3 है ना, राइट हैंड है, 37 है ना, 37 याद है ना? तो कैसे लिखते हैं? 37 प्लस 8 करने के लिए क्या करेंगे? 8 करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया है, प्लस 10 करते हैं, 2 डाउन करते हैं, माइनस 30 तो 30, फिर प्लस 50 तो हो गया 65 इज द आंसर। यहाँ आप लिख लीजिए 65। कुछ लोग जो है ना कंफ्यूज्ड है कि ये लेवल मैच हो जाता है सर। आप ये देखो कि आप फॉर्मूला अप्लाई कर पा रहे हो नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको नहीं हो पाता है तो आप उसको सीधा सेंड कीजिए मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 माइनस 45 प्लस 22 यहाँ से है ना, प्लस 18 के लिए क्या करेंगे? 10 प्लस 8 के लिए फिर क्या करेंगे बताओ? 10 और माइनस 2, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर कितना? 9191 चेक कर सकते हैं, 9191 आपका आंसर आ रहा है। अगर कंफ्यूज हो थोड़ा रुक के आराम से करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, 10 9 plus 19 10 9 plus करना है 10 plus 1 down फिर again plus 9 करना है 10 plus 1 down माइनस 47 4 और 7 माइनस 4 7 माइनस 0 आंसर। तो यहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। नेक्स्ट है 59 5 और दिस वन 9 5 9 59 प्लस 19 10 9 प्लस करने के लिए 10 अगेन और 1 डाउन प्लस 51 तो प्लस 51 कैसे करोगे? यहाँ नहीं है आपके पास 51, यहाँ भी 50 नहीं है, तो उस केस में वो क्या करना है? 51 प्लस करने के लिए 1 यहाँ प्लस करना है और 50 प्लस करने के लिए 100 यहाँ, ये 50 हो जाएगा और 100 हो चुका है। ध्यान रखिएगा ये आ गया है थर्ड डिजिट का क्वेश्चन। माइनस 75 माइनस 75 करने के लिए क्या करना है? 100 डाउन और 30 ऑफ करना है ऐसे, तो 20 डाउन ये 50 हो गया, ठीक है? और 75 था ना, एंड 5 डाउन दिस वन आंसर हो जाएगा 5454। चेक करा देता हूँ मैं 5454 कैसे हुआ आंसर। देखिए 9 9 18 19 19 में से 5 गया, 19 से 5 गया 14 4 1 5 1 6 1 7 है ना, 7 5 12 12 में से 7 गया 5, तो ये आंसर राइट है। थर्ड डिजिट का मैंने कैलकुलेशन बताया है। कन्फ्यूजन ज़रूर होगा क्योंकि ये वाला चीज़ जो है ना अलग लिखा गया है। ध्यान रखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसको थर्ड डिजिट में जाना है, इसकी हम आगे के लेवल में इसका डिस्कशन करेंगे। उसके लिए जैसे यहाँ पे टेंस का फॉर्मूला बताया है तो 100 का फॉर्मूला बताएंगे, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन है डाउट में निकाल के आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। आपके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है? नहीं है तो फिर ये नंबर आपको याद रखना है हमेशा से, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना? इस पर आप किसी तरह का कैलकुलेशन अगर मिस्टेक्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 28 ध्यान रखिएगा 28 प्लस 58 प्लस करने के 10 प्लस 2 डाउन माइनस 70 तो यहाँ से 70 डाउन प्लस 19 तो 1 9 प्लस यहाँ नहीं हुआ तो 1 अन यहाँ टर्न कितना 3535 दिस इज 35 54 प्लस 18 1 8 प्लस करना है, नहीं होगा तो 10 प्लस कर दो 2 डाउन कर दो प्लस 19 फिर 10 प्लस 9 प्लस करना है तो 10 प्लस 1 डाउन माइनस 90 दिस वन 1 आंसर। तो आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए।
अब आता है 66, तो 66 के लिए ये आपका 66 हो गया, प्लस 19, तो 19 के लिए क्या है 10, प्लस 9 के लिए 10 और 1 डाउन, है ना। एंड ये हो गया आपके पास 66 प्लस 19 माइनस 35, 35 प्लस 20 और 8 के लिए यहाँ से 8, तो आपका जो आंसर हो गया वो आपका हो गया 7878। इसके बाद है आपके पास 57, तो देखिए 57 प्लस 19 के लिए क्या होगा दिस वन 10 और यहाँ से 9 प्लस करना है तो फिर 10 1 डाउन कर दीजिए, फिर प्लस 19 करना है तो 10 फिर 10 प्लस करके 1 डाउन कर दीजिए, माइनस 85 80 और 5 दिस वन 10 आंसर। अब है 14 प्लस 19 के लिए 10, फिर अब 9 प्लस का नहीं हो सकता तो 10 प्लस करो 1 डाउन करो, प्लस 51 माइनस 71 एंड दिस वन 171, व्हाट इज आंसर 1313। ये आपका मेंटल कैलकुलेशन करना है, आप मेंटल कर सकते हो दिमाग के अंदर कि जैसे 11 है अब प्लस हमें 19 करना है, प्लस 19 करने के लिए क्या करना है 20 करके डाउन कर दो दिस इज 30, तो ये माइंड में भी कर सकते हो, ठीक है। 12 है तो फिर 1 2 12 हो गया, प्लस 18 करना है, 2 डाउन करेंगे 20 प्लस कर देंगे दिस वन ऑल्सो 30। फिर आपके पास 54 प्लस 28 करना है तो 20 तो होगा ही, 8 के लिए ये भी जाएगा और यहाँ से 2 डाउन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 82 आंसर 82। 57 है 57 प्लस 38, तो 30 यहाँ से और 8 प्लस करने के लिए 10 एंड दिस वन 2 डाउन, तो आंसर कितना आ गया आपके पास देखो 90 एंड 5 95। तो ये डिपेंड करता है, आप इसको मेंटली 4-5 बार करोगे आपका ये फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा। फिर है 18 1 8 8 के लिए दिस वन 8 प्लस 18 फिर अगेन, है ना, तो 1 यहाँ से 8 प्लस करना है, 8 प्लस करना है तो क्या करेंगे 10 अप 2 डाउन दिस वन 3 6 36। फिर 58 यहाँ पे मेंटली अगर करोगे तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा 6 एंड ये हो गया 7। आपके पास फिर यहाँ पे अगर हम करते हैं तो 9 8, अब माइंड में अगर करते हो तो 17 एंड 1 होके यहाँ पे भी 77 हो गया, है ना, तो ये 20 प्लस 70 फिर 90 हो गया। तो माइंड में ये कैसे होएगा, माइंड में करने के लिए आपको अबेकस सेट करने पड़ेंगे, 2 डिजिट के अबेकस है अगर आपके पास मान के चलो, तो फर्स्ट डिजिट जो है आपका 1 प्लेस है एंड सेकेंड डिजिट आपका क्या है 10 प्लेस है। सपोज 58 करना है तो 5 ऊपर से करेंगे 8 यहाँ पे करेंगे, फिर अगर 18 प्लस करना है तो 1 यहाँ से करेंगे और 8 प्लस करने के लिए क्या डाउन करना है तो इधर आप प्लस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा। जस्ट यू डिसाइड कि अबेकस इज इन योर माइंड, तभी मैंने आपको लिखा है कि कोई भी अगर आप फिंगर पे करते हो आफ्टर फिंगर आपको अबेकस पे करना जरूरी है, अगर आप अबेकस पे करोगे तो 100% है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो माइंड में सेट हो जाएगा और फास्ट बढ़ जाएगा। सो 2 से 3 बार 4 बार इस क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक है।